हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल की क्लास तक हम अपने क्रैश कोर्स के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी थर्मल कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट को ट्रांसफ़र करने का सॉलिड मटेरियल के अंदर हमारे पास में एक तरीका है बच्चों, और उसे हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसकी बात हम लोगों ने आखिरी क्लास में की थी। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा जो लेक्चर फ्लो रहना है वो क्या रहना है। देखिए, आज की क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, और तुरंत उसके बाद में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हीट को ट्रांसफर करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन मेथड, जिसे हम जनरली सॉलिड में यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होती है वन एंड टू अदर एंड। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन मेथड, ये कन्वेक्शन मेथड जनरली लिक्विड और गैस यानी फ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, कन्वेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसके अंदर कोई बहुत खास बात नहीं है जिसे हम लोग मेंस या नीट लेवल पर पढ़ सके। और तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी ये भी हीट को ट्रांसफर करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, एक पर्टिकुलर तरीका है जो इसके अंदर हम लोग आखिर में पढ़ने वाले हैं। रेडिएशन मेथड से बहुत बात हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि भाई बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद में उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। उस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं, स्टीफन लॉ आता है उस स्टीफन लॉ की हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बच्चों, और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है स्टेडी स्टेट। हम लोग अपना काम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टेडी स्टेट से करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से, मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाता हूं, कल की क्लास में हमने कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक रॉड है स्टूडेंट, रॉड की जो लंबाई आपको दे रखी है वो है L1, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है K1, एरिया दे रखा है A1, यहां का टेम्परेचर है T1। मेरी बात को उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। हमने इसके साथ एक दूसरी रॉड लगा दी है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमने इसके साथ सीरीज में एक दूसरी रॉड लगा दी है, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है L2, एरिया हमें दे रखा है A2, एरिया हमें दे रखा है A2, यहां का टेम्परेचर हमें दे रखा है T2। ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो हमें टेम्परेचर दे रखा है वो T2 दे रखा है, और माना कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2, और जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो T है। कुछ इस तरीके की कंडीशन है बच्चों, कुछ इस तरीके की कंडीशन है हमारे पास में। अगर मैं एक और सिचुएशन इसके अंदर ऐड कर दूं, देखो एक और सिचुएशन मैंने क्या ऐड की इसके अंदर, मैंने एक और रॉड को लेट कर दिया और माना कि इस किनारे का जो टेम्परेचर है वो है T3, जो यहां का एरिया है वो है A3, थर्मल कंडक्टिविटी K3 और लंबाई है L3। ठीक है, हमने सीरीज में लगाया हुआ है 3 रॉड, तीनों का डेटा आपके सामने है। एक रॉड की लंबाई L1, मोटाई A1, लंबाई L2, मोटाई A2, लंबाई L3, एरिया A3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2, थर्मल कंडक्टिविटी K3, टेम्परेचर T1, T2, T3। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ एक पर्टिकुलर चीज हम लोगों से नहीं पूछी जाएगी, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का यानी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने बनी तो हमें क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई करना है स्टूडेंट, हमें क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, वो क्या है कि तीनों रॉड के अंदर से जो हीट करंट पास आउट होगी, जैसे आप रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर,
जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो वहां हम लोग एक बात कहते हैं बच्चों कि सीरीज के अंदर करंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। जितनी करंट एक रेजिस्टेंस में पास होगी उतनी ही दूसरे में, उतनी ही तीसरी में, उतनी ही चौथे में, अगर वो सारे सीरीज में है तो। बिल्कुल वही बात हम लोग यहां कहने वाले हैं अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। ध्यान से, अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है और तीन रॉड आपके सामने हम लोगों ने लगा रखी है तो जितनी हीट करंट H यहां से पास होगी बिल्कुल उतनी ही यहां से पास आउट होगी और बिल्कुल उतनी ही यहां से पास आउट होगी। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हीट करंट तीनों के अंदर कांस्टेंट रहने वाली है स्टूडेंट, हीट करंट तीनों के अंदर कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। अब आप ये देखो कि जितनी हीट यहां पास हो रही है उतनी यहां पास हो रही है, उतनी यहां पास हो रही है। मैं हीट को लिख क्या सकता हूं, अब गौर करिएगा। मैं हीट की वैल्यू इस वाली रॉड के लिए लिखता हूं, देखो क्या लिखूंगा, थर्मल कंडक्टिविटी K1, एरिया A1, लंबाई L1। ठीक है, माना कि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये वाला एंड जो है ना ये हॉट है और ये वाला जो एंड है वो कोल्ड है। बच्चों ये गर्म है और ये इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ठंडा है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं कि मैं हीट का फॉर्मूला इस वाली रॉड के लिए अप्लाई कर रहा हूं। सो के वन ए वन अपॉन एल वन, यहां का टेम्परेचर है टी वन, बीच में आएगा माइनस और यहां का टेम्परेचर है टी। ये हीट का फॉर्मूला इस वाली रॉड के लिए है। कल मैंने आपको हीट का फॉर्मूला बताया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। हीट करंट का फॉर्मूला है, अगर खाली हीट का फॉर्मूला होता तो साथ में टाइम भी आता, लेकिन हीट करंट निकाल रहे हैं इसीलिए टाइम नहीं आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल यही फॉर्मूला हम बीच वाली रॉड के लिए अप्लाई करते हैं। बच्चों बीच वाली रॉड के लिए देखो, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A2, हीट इधर पास हो रही है तो ये ज्यादा है और ये कम है। T इज ग्रेटर देन ऑफ T2, ये ज्यादा है ये कम है, T में से माइनस कर देंगे T2 को और डिवाइड कर देंगे लंबाई यानी L2 से। हमने हीट करंट का फॉर्मूला बीच वाली रॉड के लिए अप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल यही फॉर्मूला हम थर्ड वाली रॉड के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखिए आप, थर्मल कंडक्टिविटी K3, एरिया A3। देखो हीट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है कि T2 इज ग्रेटर देन ऑफ T3, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि हीट हमेशा गर्म वाले किनारे से ठंडे वाले किनारे की तरफ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या कंडीशन हमारे पास में बनेगी, हम T2 में से T3 को माइनस करेंगे, T2 माइनस के T3 और डिवाइड करेंगे L3 से। अब मैंने आपको पहले ही कहा था आपको दो बातों पर ध्यान रखना है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब भी आप एकदम से समझ जाएंगे कि हीट की वैल्यू तीनों रॉड में कांस्टेंट रहने वाली है, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्टेडी स्टेट की बात आएगी बच्चों तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि तीनों रॉड के अंदर इक्वल अमाउंट में हीट पास हो रही है। तो इतनी हीट पास हो रही है फर्स्ट रॉड से, इतनी हीट पास हो रही है दूसरे वाली रॉड से, इतनी हीट पास हो रही है तीसरे वाली रॉड से। अब हीट की वैल्यू जब कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये तीनों हीट आपस में बराबर होगी, ये वाली हीट इसके बराबर होगी, ये वाली हीट इसके बराबर होगी। अब जो भी वैल्यू हमसे पूछी होगी बच्चों, जो भी वैल्यू हमसे पूछी होगी, हम इन तीनों को बराबर रख के बड़े आराम से आंसर निकाल देंगे कि भैया ये वैल्यू हमसे पूछी है, बराबर रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें स्टेडी स्टेट या सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, वर्किंग यानी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर वर्किंग एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर वर्किंग एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखिए क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 4K, एरिया है A, लंबाई है 12। ठीक है, ध्यान से, और माना कि इस किनारे का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने इसके साथ एक दूसरी रॉड को रखा बच्चों, हमने इसके साथ एक दूसरी रॉड को रखा, इसकी लंबाई है 4L, एरिया है A, यहां का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कंडक्टिविटी है K।
आपके सामने दो रॉड है स्टूडेंट, इस तरफ का जो एरिया है, इस तरफ का एरिया हम कुछ और मान लेते हैं यार, थोड़ा और अच्छा सवाल बन जाएगा। हमने इस वाली रॉड का एरिया मान लिया है 2a, उस वाली रॉड का एरिया a है, लंबाई 4l, लंबाई 2l, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने कल बताया था। थर्मल कंडक्टिविटी किस बात को शो करती है? थर्मल कंडक्टिविटी इस पॉइंट को शो करती है कि कौन सा मटेरियल अपने अंदर से अच्छे तरीके से हीट को पास करा सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी इस बात को शो करती है, ठीक है। हमने आपके सामने दो रॉड का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब प्रॉब्लम हमारे पास में ये बनी स्टूडेंट कि जहां मैंने दो रॉड को आपस में जोड़ा है, मैंने माना कि उस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो टी है। जहां मैंने दो रॉड को आपस में जोड़ा है उस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो टी है। मुझे पता लगाना है कि टी टेम्परेचर कितना होगा। अब जैसे ही मैं प्रॉब्लम को देखूंगा तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हीट की वैल्यू कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट। जितनी हीट यहां से पास होगी बिल्कुल उतनी ही हीट यहां से पास होगी, बस कंडीशन होनी चाहिए स्टेडी स्टेट की, ठीक है, यानी इक्वल अमाउंट में करंट पास होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हम कहेंगे कि जितनी हीट यहां पास होगी उतनी ही यहां पास होगी, दोनों में हीट निकालो और आपस में बराबर रख दो। देखो हीट की डायरेक्शन यहां से यहां है, हीट माना कि इस डायरेक्शन में पास हो रही है क्योंकि इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज्यादा है, इधर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत कम है। तो हीट की डायरेक्शन है ये, हमें देखना है कि इस वाली रॉड के अंदर हीट कितनी होगी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 4k, एरिया कितना है 2a, टेम्परेचर का डिफरेंस ये 100 है ये t है, तो 100 में से माइनस कर देंगे t को। लंबाई कितनी है? लंबाई है 2l। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। इतनी हीट करंट फर्स्ट रॉड के अंदर से पास हो रही है स्टूडेंट, इतनी हीट करंट पहली रॉड के अंदर से पास हो रही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पर। देखो थर्मल कंडक्टिविटी k, एरिया a, लंबाई 4l, ठीक है। अच्छा दूसरी रॉड के, ये जो रेड वाली रॉड है इसके एक किनारे का टेम्परेचर t है, दूसरे किनारे का टेम्परेचर 10 है और हीट पास हो रही है t से 10 की तरफ, हीट ऐसे पास हो रही है ऐसे, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। देखो मैंने ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल आपको एक बहुत आसान मेथड भी बताया था जिसका नाम था नोडल प्लेन मेथड, और उसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है, वो ऐसा मेथड था कि आप सीधा प्रॉब्लम को बना सकते थे, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर बनने वाला है। के ए एल, के ए एल, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट, ये 2 बचेगा बच्चों हमारे पास में, इसके मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 100 माइनस के टी इज इक्वल टू टी माइनस के 10, ठीक है। 1600 माइनस के 16t इज इक्वल टू टी माइनस के 10, तो ये हो जाएगा 1610 इज इक्वल टू 17t, सो टी इज इक्वल टू 1610 डिवाइडेड बाय 17 डिग्री सेल्सियस। लीजिए साहब इतना हमारा जंक्शन का टेम्परेचर होगा। दोनों रॉड को आपस में ज्वाइन कराने से जो जंक्शन का टेम्परेचर निकल कर आने वाला है वो जंक्शन का टेम्परेचर हमारा इतना होने वाला है। बच्चों ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रॉड को जोड़कर प्रॉब्लम्स को हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ में हमारा ये चैप्टर, जितनी भी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो सब मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर बताया है कि हीट क्या है, हीट करंट क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी ये 1/kL/A। अगर दो रॉड को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होगा ये R1 + R2, और अगर हम उन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होगा ये 1/RP = 1/R1 + 1/R2। सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सीरीज में ज्यादा होगा और पैरेलल में कम होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात हो जाती है खत्म, आप लोग याद रखेंगे। आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो लिंक देने वाला हूं बच्चों, वो लिंक आपके गूगल ड्राइव की है जिसके ऊपर
थर्मोडायनेमिक्स जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया है इसके ऊपर टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आज की ही मतलब आज के दिन आज हम लोग इवनिंग में 4 बजे हम लोग एक ऑनलाइन सेशन रखने वाले हैं जिसके अंदर आकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं जितना हम लोग पीछे का आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडक्शन मेथड की बात पूरी हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है इसे हम नाम देते हैं रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन मेथड ऑफ रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग इसकी बात करने वाले हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 3 मेथड है, पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग सॉलिड में यूज करते हैं, लिक्विड और गैस वाला हम लोगों को पढ़ना है नहीं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं। अब तीसरे नंबर पर जो आता है यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, हम लोगों को इसके ऊपर गौर देकर चलना है। मेथड का नाम है रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हम लोगों को बात करनी है स्टूडेंट रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की। देखते हैं कि रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है। देखो नाम से काफी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। कैसे? रेडिएशन यानी ऐसा मेथड जिसमें हीट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाने के लिए किसी इंटरवेनिंग मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच का मीडियम नहीं चाहिए, मात्र एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर के अंदर से हीट निकलेगी वेव्स की फॉर्म में और रिसीवर पर जाकर रिसीव हो जाएगी। इस मेथड को हम नाम देंगे रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब इस मेथड के अंदर जिसका नाम है रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हम बहुत थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता कहां कहां से है बच्चों। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर पहला पॉइंट हमारे पास में क्या बना आप लोग देखिए जरा। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास में ये बना स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई मेटेलिक शीट है, हम लोगों ने लेट किया कि ये हमारे पास में कोई मेटेलिक शीट है कुछ इस तरीके से। इस मेटेलिक शीट के ऊपर बाहर से कुछ एनर्जी आती है जो आकर इंसिडेंट होती है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। बाहर से आने वाली मैंने माना कि क्यू एनर्जी है या क्यू हीट है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है और यहां आकर इंसिडेंट होती है। अब देखो हुआ क्या बच्चों, जैसे ही क्यू एनर्जी यहां आकर इंसिडेंट होगी, क्यू में से कुछ परसेंट एनर्जी ऐसी होगी जो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकराकर वापस लौट जाएगी। देखो ये 100% एनर्जी है, 100% एनर्जी है, इस 100% में से कुछ परसेंट ऐसा हुआ जो आई मटेरियल से टकराई और टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उस एनर्जी को मैंने आर का नाम दिया बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद कुछ एनर्जी ऐसी थी जो यहीं के यहीं एब्जॉर्ब हो गई, उस एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी को हमने नाम दिया बच्चों कैपिटल ए। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई उसे हमने नाम दिया कैपिटल ए, और कुछ एनर्जी ऐसी थी जो आगे की तरफ ट्रांसमिट हो गई उसे हमने नाम दिया कैपिटल टी। यानी बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, टोटल एनर्जी हमारी 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई है। कुछ एनर्जी टकराकर वापस लौट गई है, कुछ एनर्जी यहीं की यहीं एब्जॉर्ब हो गई है, और कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो गई है। समझ आ रही बात? सो हम लोग कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी, आर प्लस ए प्लस टी, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है स्टूडेंट, ध्यान से बिल्कुल, कैपिटल आर प्लस कैपिटल ए प्लस कैपिटल टी। मैं एक काम करता हूं, आर को भी कैपिटल क्यू से डिवाइड करता हूं, ए को भी कैपिटल क्यू से डिवाइड करता हूं, और टी को भी कैपिटल क्यू से डिवाइड करता हूं। देखो डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, डिवाइड करने से जैसे ही आप कैपिटल आर को कैपिटल क्यू से डिवाइड करेंगे, कैपिटल आर कौन सी एनर्जी थी आप मुझे ये बताएं, कैपिटल आर वो एनर्जी थी जो टकराकर वापस लौट गई, और क्यू कौन सी एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है। अब आप एक बात देखिए, ये वो एनर्जी है जो टकराकर वापस लौट गई, कैपिटल क्यू
टोटल आने वाली एनर्जी है, जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा आर लैम्डा। और बच्चों इस आर लैम्डा को हम जानते हैं रिफ्लेक्टेंस के नाम से, रिफ्लेक्टेंस, ये आर लैम्डा हमारा रिफ्लेक्टेंस कहलाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे ही कैपिटल ए अपॉन कैपिटल क्यू को डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा ए लैम्डा। बच्चों जैसे ही हम लोग इसे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा ए लैम्डा। इस ए लैम्डा को हम नाम देने वाले हैं एब्जॉर्बटेंस, एब्जॉर्बटेंस, ठीक है। एंड कैपिटल टी अपॉन कैपिटल क्यू दिस इज टी लैम्डा, और इस टी लैम्डा को हम लोग नाम देने वाले हैं ट्रांसमिटेंस, इसे हम लोग नाम देने वाले हैं ट्रांसमिटेंस। तो सीधे तौर पर स्टूडेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो हम लोगों की आई वो तीन पार्ट में ब्रेक हो गई, आर लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस टी लैम्डा इज इक्वल टू वन, ठीक है। आर लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस टी लैम्डा इज इक्वल टू वन। अब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट यहां से क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है जरा मैं आपको ये बताता हूं। देखो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है, अगर मैंने लिखा आर लैम्डा इक्वल टू जीरो टी लैम्डा इक्वल टू जीरो, हाँ भाई आप लोग क्या कहोगे अगर मैंने ऐसा लिखा, मैंने कहा कि आर लैम्डा भी जीरो है यानी कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आर लैम्डा के जीरो होने का मतलब यह है कि कोई भी एनर्जी टकराकर वापस नहीं लौट रही है। टी लैम्डा के जीरो होने का मतलब क्या है, कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वही की वही है। अगर आर लैम्डा भी जीरो यानी ये भी जीरो, टी लैम्डा भी जीरो यानी ये भी जीरो, ये बचा हमारे पास में, तो इस ए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। और जिस बॉडी के लिए ए लैम्डा वन के बराबर होता है ऐसी बॉडी को बच्चों हम लोग बोलते हैं परफेक्टली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जिस बॉडी के लिए ए लैम्डा वन के बराबर होगा वो हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाएगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी जो अपने ऊपर पड़ने वाली टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ना किसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है ना किसी को ट्रांसमिट करता है, ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। देखिए नेचुरली तो कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है बच्चों, हाँ लेबोरेटरी के अंदर एक बॉडी जरूर तैयार की गई है जिसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, उस बॉडी का नाम है स्टूडेंट फेरी ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी। नेचुरली ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, हाँ लेबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने एक बॉडी तैयार करी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, उसकी बात करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ उसका नाम याद रखिए, उस बॉडी को हम लोग नाम देंगे फेरी ब्लैक बॉडी। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये थोड़ी सी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए बच्चों। टोटल एनर्जी तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई, ये आर लैम्डा, ये ए लैम्डा, ये टी लैम्डा। जब ए लैम्डा वन होगा, अगर ए लैम्डा वन हो गया तो बाकी के दो क्या हो गए, जीरो हो गए, ना कोई एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है ना कोई एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जिस बॉडी के लिए सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दिस इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका नाम है फेरी ब्लैक बॉडी। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ बच्चों, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा कि नेचुरली ब्लैक बॉडी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी बॉडी आज तक कोई है ही नहीं जो अपने ऊपर पड़ने वाली 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन हाँ एक मटेरियल ऐसा जरूर है जो नियर बाय ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है बच्चों, उस मटेरियल का नाम है ब्लैक कार्बन। हालांकि नाम ब्लैक कार्बन है लेकिन मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, ठीक है ध्यान रखिएगा, मटेरियल का नाम है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन ये ऐसा मटेरियल होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लगभग 98% एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस मटेरियल का नाम है ब्लैक कार्बन। तो ये हमारे रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का थोड़ा सा बेसिक्स है बच्चों, बिल्कुल मामूली सा बेसिक है कि ये वो मेथड है जिसके अंदर हम एनर्जी को विदाउट एनी मीडियम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपेगेट करा सकते हैं। इसके अंदर जो वेव्स प्रोपेगेट होती हैं उन्हें हम हीट वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स का नाम देती हैं, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ये सारे फिनोमिनाज को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती है। और ये उसके बारे में एक छोटा सा बेसिक है स्टूडेंट, छोटा सा बेसिक मैंने आप लोगों के सामने उसके बारे में लिखा, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, अगर हम लोग अगले पॉइंट पर बच्चों पहुंचे तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास में क्या आया। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉ आता है यार, उसे समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन बनते हैं उससे बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है बच्चों, अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने मान लिया ये हमारे पास में एक बॉडी है बच्चों, और माना कि इस बॉडी का जो एरिया हम लोगों को गिवन दिया गया है वो एरिया है कैपिटल ई, कैपिटल ए, और माना कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमें दिया गया है टी। ठीक है, अच्छा अब हमारे सामने एक थ्योरी आती है, कभी अगर आप लोगों ने पहले पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। सबसे छोटा टेम्परेचर 0 केल्विन होता है बच्चों, सबसे छोटा टेम्परेचर 0 केल्विन है। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्रीवोस्ट, उन्होंने एक बात कही, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो बॉडी अपने अंदर से कुछ हीट को बाहर निकालती है, कुछ पावर को, कुछ एनर्जी को बाहर लिबरेट करती है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, यानी जिस भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से हल्का सा भी ज्यादा होगा वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालेगा भी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा भी। ठीक है, अब मैं वही बात आप लोगों को यहां से बताने जा रहा हूं। मैंने माना कि इतने एरिए से ये एनर्जी बाहर निकल रही है ई, कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहेगा बच्चों जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, जो एनर्जी बाहर निकल रही है ए एरिए से टी टाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एनर्जी बाहर निकल रही है ई ए एरिए से टी टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। सीधी सी बात है यार, जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके अंदर से एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। E अपॉन ए इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। सिमिलरली एब्जॉर्ब के लिए भी यही सिस्टम काम करता है जो रिलीज के लिए काम करता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यार, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। अब जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एमिसिविटी, इसका नाम है एमिसिविटी, हर बॉडी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ब्लैक बॉडी के लिए, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1, इसका नाम है एमिसिविटी, हर बॉडी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1। अब चूंकि मैं ऑर्डिनरी बॉडी, एक सामान्य बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी जगह मैं 1 तो रख नहीं सकता हूं, मैं तो एक कॉमन बॉडी की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने यहां ई रखा है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। एमिसिविटी सिग्मा, इसे बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, अब आप देखिए एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, सो पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी एरिया सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी के अंदर से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी भी बॉडी के अंदर से कॉन्टिन्यूअसली, किसी भी बॉडी के अंदर से कॉन्टिन्यूअसली इतनी पावर लिबरेट हो रही है, इतनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है, या इतनी पावर जो है उसके अंदर से बाहर निकल रही है, इसे मैंने नाम दिया है, इसका नाम है कॉन्स्टेंट। एमिसिविटी और इसकी वैल्यू होगी 1 4, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 1 होनी है, वैसे इसकी वैल्यू 0 के और 1 के बीच में होनी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मैं आप लोगों को एक बार और आपके सामने दोहरा देता हूं जिससे कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। देखो प्रीवोस्ट थ्योरी ये कहती है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से हल्का सा भी ज्यादा है, भाई हमें पता है कि 0 केल्विन सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है। मान लो कि मेरे हाथ में ये मार्कर है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया है 293 केल्विन।
अब 293 केल्विन है यानी 0 केल्विन से बहुत ज्यादा है, तो इस मार्कर के अंदर से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेगी और अपने से ठंडी बॉडी को ढूंढेंगी और उस ठंडी बॉडी पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, अब इस मार्कर के अंदर से कितनी पावर लिबरेट हो रही है वो इसी मार्कर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? फॉर्मूला यह है, पावर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू एमिसिविटी, इस मार्कर के मटेरियल की एमिसिविटी कितनी है, एरिया कितना है, सिग्मा कांस्टेंट है और टी इसी मार्कर का टेम्परेचर है। आप ध्यान रखेंगे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में रहती है बच्चों 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8, ये हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू है। यूनिट बन जाएगी वॉट मीटर की पावर माइनस 2 केल्विन की पावर माइनस 4। ध्यान रखेगा सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट और वैल्यू रहने वाली है कितनी 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 वॉट मीटर की पावर माइनस 2 केल्विन की पावर माइनस 4। तो बच्चों हमारे पास में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को स्टीफन लॉ के बारे में बताया, अब स्टीफन लॉ के बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। पहले मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई हॉट बॉडी है, कोई गर्म बॉडी है और उसे हमने किसी कोल्ड प्लेस पर रख दिया, किसी ठंडी जगह पर रख दिया है। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी गर्म बॉडी को ठंडी जगह पर रखेंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे 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 डाउन जाना स्टार्ट कर देगा, यानी वो गर्म बॉडी भी ठंडा होना स्टार्ट कर देगी। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से घटेगा अगर हमने गर्म बॉडी को ठंडी जगह पर रखा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, आप देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है डीटी अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस के टी नॉट। अब आप समझिए कि टी क्या है और टी नॉट क्या है। देखिए मान लीजिए ये वो हमारे पास में गर्म वाली बॉडी है, ये हमारे पास में वो गर्म वाली बॉडी है बच्चों, ठीक है। माना कि इस गर्म वाली बॉडी का टेम्परेचर है टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, बाहर के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। अब जैसे ही आपने रखा गर्म बॉडी के अंदर से हीट निकलनी स्टार्ट हो गई, अब जैसे ही हीट निकलेगी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाना स्टार्ट कर देगा, तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक टी डाउन जाना स्टार्ट कर देगा, यानी टी के जो घटने का रेट है स्टूडेंट वो टी माइनस के टी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, यानी बॉडी का टेम्परेचर इस रेट से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, टी बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक और बार आपके सामने दोहरा देते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की कंडीशन क्या है। अगर आप किसी गर्म बॉडी को किसी ठंडी जगह पर रखेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस है बॉडी के और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाना स्टार्ट कर देगा, बॉडी का टेम्परेचर घटना स्टार्ट कर देगा और बॉडी के टेम्परेचर के जो घटने का रेट है वो टी माइनस टी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, और ये कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं आगे और इसके अंदर से नोट पॉइंट देखते हैं कि कितने बनकर निकलेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1 बच्चों, पहला नोट पॉइंट क्या है आप जरा देखें। फर्स्ट नोट पॉइंट है बच्चों हमारे पास में वाई एक्सिस पर है लॉग टी माइनस के टी नॉट, एक्स एक्सिस पर है टाइम। जितने भी नीट वाले स्टूडेंट है सबके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जेई में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। लॉग टी माइनस के टी नॉट और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। ये ग्राफ बच्चों हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए बनता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की कंडीशन में लॉग टी माइनस के टी नॉट और टाइम के बीच में ये ग्राफ बच्चों हमारा प्लॉट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगली कंडीशन देखते हैं क्या आती है। देखो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास में क्या है, हम लोगों ने माना कि यहां हमारे पास में ना एक बॉडी है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी वन है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, ठीक है। टी वन गर्म है और टी टू ठंडा है, टी वन ज्यादा है और टी नॉट कम है। अब क्या होगा, डेफिनेटली
जैसे ही T1 T0 के कांटेक्ट में आएगा, T1 गर्म है, T0 ठंडा है, T0 कम है, जैसे ही ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी, इस बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर जाएगा। देखो बॉडी का टेम्परेचर T1 से घटकर T2 पर पहुंच गया है। भाई मान लो कि मार्कर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने मार्कर को रूम में रख दिया तो कुछ देर बाद में मार्कर का टेम्परेचर 100 नहीं रहेगा, घटकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले T1 था, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, थोड़ा सा घटकर कम हो गया है T2। ठीक है, तो T1, T2 और T0 इनके बीच में एक बढ़िया सा रिलेशन है स्टूडेंट। रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूं, T1 माइनस के T2 अपॉन टाइम। देखो माना कि पहले कितना था T1, अब कितना है T2, इतना घटने में जो टाइम लगा वो है T। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इस पर तो आप लोगों को स्पेशली फोकस करके चलना है। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 है, T टाइम में T1 से घटकर T2 पर पहुंच गया। तो पहले T1 था, अब T2 हो गया है, T टाइम में यहां से यहां पहुंचता है, इज इक्वल टू माइनस के K, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के T0। बच्चों कुल मिलाकर ये हमारे पास में इसका रिलेशन बनने वाला है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की कंडीशन ये हमारे पास में बनने वाली है। थोड़ा सा मैं और उसे आपके सामने एक्सपैंड कर देता हूं कि भाई कैसे कंडीशन आई, कहां से कंडीशन आई, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसे जान लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तीन बात आप समझ गए होंगे कि गर्म बॉडी जब ठंडी चीज के संपर्क में आएगी, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इस गर्म बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाना स्टार्ट करेगा। ये हमारे पास में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्या तो इसके ऊपर ग्राफिकली प्रॉब्लम आती है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ग्राफ तो फिक्स है अपनी जगह, ये ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, या प्रॉब्लम इसके ऊपर आती है, और मैं इसे आपके सामने थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों आप देखिए, हमारे पास में ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। ठीक है, कुछ देर में हुआ क्या, T1 टाइम में बॉडी का टेम्परेचर T1 से घटकर T2 पर पहुंच चुका है। ठीक है, फिर T2 टाइम में ध्यान से टेम्परेचर पहुंच चुका है T3 पर, इतने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, इतने टाइम में यहां से यहां पहुंचा। आपको बताना है कि दो इक्वेशन क्या बनने वाली हैं। पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में है टाइम, कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू माइनस के K। T का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर और T0 का मतलब है सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले से मैं आपके सामने बच्चों दो सिचुएशन बनाता हूं। देखो दो सिचुएशन कौन सी हैं, जरा ध्यान से, dT चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। पहले बताओ टेम्परेचर कितना था T1, अब कितना हो गया T2। लो भैया इतना चेंज हुआ, T1 माइनस T2, पहले कितना था T1, अब कितना है T2, इतना चेंज हुआ टेम्परेचर। यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा T1, T1 माइनस के T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस के K। देखो T का मतलब क्या है बच्चों, T का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन यार मेरे पास तो बॉडी के दो टेम्परेचर हैं, एक का नाम क्या है T1, एक का नाम क्या है T2। मैं ऐसा करता हूं कि दोनों का एवरेज निकाल देता हूं और उस एवरेज की जगह, इस T की जगह उस एवरेज की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, सो T की जगह रखा जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के T0। लो बच्चों ये हमारे पास में पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, देखो आप लोग ध्यान से, T2 से कहां पहुंच गया T3 पर, ये ज्यादा था और ठंडा होकर और कम हो गया, तो इन दोनों के लिए ये इक्वेशन बनी, इन दोनों के लिए ये इक्वेशन बनेगी। कैसे, T2 से T3 पर पहुंच गया तो टेम्परेचर में चेंज आया T2 माइनस के T3, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा बच्चों T2, K कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये T
टी का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर। अब बॉडी के तुम्हारे पास में दो टेम्परेचर हैं यार, एक टी टू है और एक टी थ्री है, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। टी टू प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस के टी नॉट। लीजिए सर, ये हमारे पास में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की न्यूमेरिकल कंडीशन तैयार हो गई, जिसके ऊपर हम सारी प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। आपके सामने है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आएगी और क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर एक की हम लोग बात करते हैं। माना कि बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको यह बताना है कि कितने मिनट में हम 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मैं आपके सामने एक और बार रिपीट कर देता हूं। बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 5 मिनट में हम 60 पर पहुंच जाते हैं, कितने टाइम पर हम 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे? क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है, 20 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी जब तक इसका टेम्परेचर 20 नहीं पहुंच जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास में। भाई इन दोनों बॉडीज को मिलाकर एक पेयर बनेगा, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों बॉडीज को मिलाकर एक पेयर बनेगा, एक इक्वेशन यहां से बनेगी। बनाते हैं इक्वेशन, कैसे बनेगी जरा देखो। ये कितना है 100, ये कितना है 60। 100 माइनस के 60, टाइम कितना लगा? 5 मिनट का समय लगा, इज इक्वल टू माइनस के k। अब यहां रखेंगे इन दोनों का एवरेज, 100 प्लस 60 160 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 80 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई इन दोनों बॉडीज को लेकर। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, मैं एक बार और लिख देता हूं। T1 माइनस के T2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस के K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के T0। ये है बच्चों हमारे पास में फॉर्मूला। हमने इन दोनों बॉडीज पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बाकी के दो बॉडीज पर अप्लाई करते हैं। कितना है भाई 60, यहां कितना है 40। चलो 60 में से 40 को माइनस करते हैं, 60 माइनस के 40। कितना टाइम लगा हमें कैलकुलेट करना है, हमने टी मान लिया। माइनस के कांस्टेंट, एवरेज देखते हैं कितना होगा। ये 60 है, ये 40 है, ऐड करेंगे 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50। सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। देखो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 20 है 20 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को बच्चों आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, देखो 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 बचेगा, ये आ जाएगा 40 अपॉन 5। 60 में से 40 को डिवाइड करेंगे 20 अपॉन टी इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा माइनस के K। 80 में से 20 माइनस करेंगे 60, माइनस के K। 50 में से 20 माइनस करेंगे 30। माइनस के से माइनस के कैंसिल आउट, 30 से ये कैंसिल आउट, ये आ गया 2। अब आप देखो इससे ये कैंसिल आउट, ये 2 आ गया, t की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। कंडीशन हमारे पास में कुछ ऐसी बन गई स्टूडेंट, 2t अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, कैंसिल आउट। सो अगेन t इज इक्वल टू 5 मिनट। अगेन हमारे पास में वही कंडीशन बन गई स्टूडेंट, t इज इक्वल टू 5 मिनट, यानी यहां से यहां आने पर अगर 5 मिनट का समय लगता है तो यहां से यहां आने पर भी 5 मिनट का ही समय लगेगा। सेम आंसर आ गया है 5 मिनट। बड़ा इजी है। पहले हमने दो बॉडीज के लिए एक इक्वेशन तैयार करी बच्चों। जैसे ही हमने दो बॉडीज के लिए इक्वेशन तैयार करी, ये बन गई। फिर हमने बाकी की दो बॉडीज के लिए इक्वेशन तैयार करी, बाकी की दो बॉडीज के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। दोनों को डिवाइड किया, प्रॉब्लम सॉल्व। एक और कंडीशन हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक है, आपको वो भी समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में। मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस,
सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, ओनली 10। ये बॉडी 100 से पहुंच जाती है बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट में, ठीक है। आपको ये बताना है कि 50 से 20 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट में पहुंचने वाली है, ये प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप आराम से प्रॉब्लम को कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। आप लोग ट्राई करिए, साथ में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व, पहले हम इन दोनों पर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। देखिए यहां कितना है 100 माइनस, यहां कितना है 50, कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट का समय लग रहा है, इज इक्वल टू माइनस के के। इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं 100 और 50, 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10, इक्वेशन नंबर 1। T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के K एवरेज और सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं बच्चों। जब इन दोनों के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे 50 माइनस के 20 टाइम हमें निकालना है इज इक्वल टू माइनस के K एवरेज निकाल देते हैं। 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 50 और 20 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35 माइनस के 10, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब आपको पता है क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहां इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो क्या रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 100 माइनस के 50 यानी 50 बचेगा, और उस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू माइनस के K इंटू 65, इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 50 में से 20 माइनस करेंगे 30 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के K इंटू 25, इक्वेशन 2। डिवाइड करिए, जैसे ही स्टूडेंट हमें से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 25t अपॉन 30 माइनस के से माइनस के 65 अपॉन 25। आप इसे सॉल्व करके यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोग ये देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने रॉड को लगाया है तो उनके अंदर हीट की वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है और उसे ही हम स्टेडी स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने पढ़ा रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें बिना मीडियम के हम एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस, और जिस बॉडी के लिए एब्जॉर्बटेंस की वैल्यू 1 रहेगी वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगी। लेबोरेटरी के अंदर तैयार की गई परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हम फेरी ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं बच्चों। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिवोस्ट की थ्योरी क्या कहती है। प्रिवोस्ट थ्योरी ये कहती है अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है उसके अंदर से एनर्जी बाहर भी निकलेगी और वो एब्जॉर्ब भी करेगी। मैंने आपको उसी के ऊपर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताया जिसमें पावर का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात की, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्या ग्राफिकल प्रॉब्लम बन सकती है, क्या उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए फॉर्मूला है और उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम बताई है। तो इसके साथ हमारा एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2 बातें हैं। पहली बात, चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जिसमें आपको इसी चैप्टर के ऊपर प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। शाम को 4 बजे हमारा लाइव सेशन होने वाला है, उस लाइव सेशन में आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, भाई दूसरी बात हम लोगों की क्या है, सेकंड पॉइंट बच्चों हम लोगों का यह है कि आप लोगों को जितने भी चैप्टर हमने पीछे पढ़ा दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेव, यूनिट मेजरमेंट एरर, या ये चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है, इन चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कॉन्टिन्यू रखनी है, जारी रखनी है आप लोगों को, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर करना है, मटेरियल आपके पास में मौजूद है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, मैं आप लोगों को यहां से डीपीपीज देता रहूंगा और मंडे से फिर हम प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देंगे, ओके बच्चों।
ठीक है।